brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. अफगानिस्तान में आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल नदी में बहुत पानी उतर आया है। अफगानिस्तान की तस्वीर अचानक से बदली बदली दिखने लगी है। जिस प्रेसिडेंशियल पैलेस से लोकतांत्रिक सरकार चलती थी वो बंदूकधारियों की रिहाइश बन चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर कयामत बरस रही है। सड़कों पर अफरा तफरी है। बड़ी संख्या में लोग अपने ही वतन से बाहर निकल जाने की कोशिश में जुटे हैं। सोचिए कोई किस घड़ी में, किस दुख में अपना घर, अपनी ढी, अपने मुल्क को छोड़ पाने की हिम्मत जुटा पाता है। कोई क्या खाकर उस पीड़ा के साथ न्याय कर पाएगा? अफगानिस्तान के इर्द गिर्द पैदा हो रहे हालात पर एक नज़र डालते हैं। इस वक्त दुनिया भर में सबसे अधिक आलोचना अगर किसी शख्स की हो रही है तो वो है अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। जिन डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ शांति वार्ता शुरू की थी वो भी बाइडेन का इस्तीफा मांग रहे हैं। खैर, चौतरफा आलोचना से घिरे बाइडेन 16 अगस्त की रात प्रकट हुए टीवी के सामने। कहा कि मैं अमरीकी सैनिकों को बाहर निकालने के अपने फैसले पर कायम हूँ। ये भी बोले कि मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं लड़ाई खत्म करता या सैनिकों को और भेजकर इस अंतहीन लड़ाई को बढ़ने देता। मैंने पहला विकल्प चुना। पिछले 20 सालों के अनुभव से मैंने यही सीखा कि यूएस ट्रूप्स को निकालने का सही समय ना तो आया है और ना कभी आएगा। जो बाइडेन ने साफ कहा कि अमरीकी सैनिक ऐसे लोगों की लड़ाई कतई नहीं लड़ सकते जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। फिलहाल अमरीका ने अपने सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट पर तैनात कर रखा है और उनका दूतावास भी एयरपोर्ट से ही चल रहा है। उधर अफगानिस्तान में लड़ चुके कई अमरीकी सैनिक और उनके परिवार वाले गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जल्दबाजी में लिए गए एक फैसले ने सारी कुर्बानियों को गौण कर दिया। अफगानिस्तान मामले पर एक बड़ा बयान जर्मनी की तरफ से भी आया। जर्मनी नाटो सेना का हिस्सा था। उसके 59 सैनिक अफगानिस्तान के वॉर में मारे गए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कल्पना से परे है। अफगानिस्तान में चीजें और हमारा जो गणित था उनके बारे में वो पूरी तरह उल्टा पड़ गया है। जर्मनी 10,000 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि काबुल एयरपोर्ट पर इतनी भगदड़ थी कि पहला जर्मन प्लेन सिर्फ 7 लोगों को लेकर उड़ गया। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि तालिबान के काबुल पर कब्जा करने से खुश होने वाले देशों की सूची में रूस भी जुड़ गया है। उसने कहा है कि अफगानिस्तान अब सुरक्षित हाथों में है, अब उससे बिजनेस किया जा सकता है। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत ने कहा कि काबुल में शांति है और तालिबान पुरानी सरकारों के मुकाबले कहीं बेहतर है। इन सब के बीच, इन प्रतिक्रियाओं के बीच जिसकी क्रिया है वो तालिबान क्या कर रहा है? उसने सभी सरकारी कर्मचारियों को क्षमादान का ऐलान किया है। स्टाफ से काम पर लौटने के लिए भी कहा है। तालिबान ने महिलाओं से भी सरकार में शामिल होने की अपील की है। अभी तक सरकार की संरचना पर वैसे कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन तालिबान कितने भी वादे कर ले, उसके प्रवक्ता जाकर कितनी भी महिला एंकर्स को इंटरव्यू दे दें, लेकिन उदार और आज़ाद ख्याल लोगों का उस पर से भरोसा खत्म हो चुका है। तालिबान ने बंदूक के दम पर सत्ता हासिल की है और लोगों का भरोसा नहीं जीता है। अफगानिस्तान यहाँ तक कैसे पहुँचा कि इतनी प्रतिक्रियाएँ, इतनी क्रियाएँ, इन सब का वर्णन आया? इसकी एक लंबी कहानी है और इसे समझाने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। इसलिए आज के दुनियादारी में हम आपको सुनाएंगे अमेरिका और सोवियत संघ से भी पहले की कहानी कि किस महाशक्ति को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। आज हम आपको बताएंगे उस फोन कॉल की कहानी जिसके चलते शुरू हुई लड़ाई 4 दशक बाद भी शांत नहीं हुई। 9/11 के हमले से 2 दिन पहले हुई उस हत्या की कहानी बताएंगे जिसकी आहट अगर अमेरिका ने सुनी होती तो हजारों लोगों की जान न जाती। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और दुनियादारी में क्या अफगानिस्तान, क्या कोई और स्थान, हम आपको ग्लोब पर पसरे नक्शे में अंकित हर मुल्क की कहानी बताने की कोशिश करते हैं ताकि उस दुनियादारी से सबक लेकर हम अपने देश को बेहतर कर सकें। पिछले 4 दशक में अफगानिस्तान से 2 महाशक्तियों का बोरिया बिस्तर बन चुका है, ये हम जानते हैं। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ और अब अमरीका। लेकिन ये हश्र एक और महाशक्ति का हो चुका है। कहते हैं कि उसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। जी, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट ब्रिटेन की। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक ब्रिटेन का दबदबा लगभग पूरी दुनिया पर था और उसी दबदबे वाले दौर में ब्रिटेन 3 बार अफगानिस्तान में परास्त हुआ था। पहला किस्सा साल 1838 का है। उस वक्त अफगानिस्तान पर दोस्त मोहम्मद खान का शासन चल रहा था। अफगानिस्तान ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच पिस भी रहा था। ब्रिटेन को डर था
कि अगर यहाँ रूस आ गया तो भारत में ब्रिटेन का शासन कमजोर पड़ सकता है, इसलिए वो चाहता था कि काबुल की गद्दी पर उसकी कठपुतली सरकार बैठे। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान से ब्रिटेन को ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर हमला करने का फैसला किया। क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान अलग अलग कबीलों में बटा था, कोई संगठित होकर लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए शुरुआती दौर में ब्रिटिश आर्मी को कोई खास टक्कर नहीं मिली। अप्रैल 1839 तक ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में बढ़त बना ली। दोस्त मोहम्मद काबुल छोड़कर भाग गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया। इसके बाद ब्रिटेन ने काबुल की गद्दी पर शाह शुजा को बिठाया। शाह शुजा आधुनिक अफगानिस्तान के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी का पोता था। इस उपलब्धि से अफगान कबीलों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें अपनी धरती पर विदेशी शासन की उपस्थिति और गद्दी पर कठपुतली सरकार रास नहीं आई। ऐसे में 1841 में यानी जंग शुरू होने के 3 बरस के भीतर कबीलों ने ब्रिटिश राज पर हमला शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने बहुत कोशिश की, कबीलों में फूट डालने की साजिश भी रची, लेकिन दाल नहीं गली और थक हार कर ब्रिटेन ने अफगानिस्तान से निकलने के लिए समझौता किया। सर विलियम हे मैकनाथन अफगानिस्तान में ब्रिटेन के पॉलिटिकल एजेंट थे। 23 दिसंबर 1841 को वो एक मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई अफगानों ने उन्हें पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। ब्रिटेन को लगा अब देर की तो गजब हो जाएगा और ऐसे में 6 जनवरी 1842 को 16,500 लोगों का काफिला काबुल से कूच कर गया। लेकिन कूच करने के बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर दाखिल होने में अभी वक्त था। रास्ते में कबीले थे और अफगान कबीलों ने इस काफिले को घेर कर खून की नदियां बहा दी। कुछ 100 लोग ही जिंदा बचे इस काफिले के और ब्रिटेन के निकलते ही शाह शुजा को भी मार दिया गया। और फिर 1843 में दोस्त मोहम्मद खान काबुल की गद्दी पर फिर से काबिज हो गया। लेकिन वापसी सिर्फ दोस्त मोहम्मद खान की नहीं हुई, ब्रिटेन की भी हुई। कुछ दशक के बाद साल था 1878 और उस समय काबुल में अफगानिस्तान में राज था दोस्त मोहम्मद के बेटे शीर अली खां का। और ब्रिटेन के साम्राज्य का स्वरूप भी अब बदल चुका था। पहले ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में रूल करता था, लेकिन अब सीधे क्राउन के अंडर में था। 1878 में ब्रिटेन ने कहा हमारा शासन कबूल कर लो, लेकिन अफगानिस्तान के शासक शीर ने कहा नो चांस। इसके बाद उसने रूस के दूत को भी अपने दरबार में एंट्री दे दी, लेकिन ब्रिटेन के काफिले को बॉर्डर से ही लौटा दिया। ऐसे में उस वक्त के नाराज वायसराय लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान पर हमला करने का फरमान जारी किया। जब हमला हुआ तो शीर अली काबुल छोड़कर भाग गया। अंग्रेजों ने कब्जा करने के बाद उसके बेटे को सत्ता सौंपी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अंग्रेजों के राजदूत ब्रिटिश राजदूत की हत्या हो गई काबुल के भीतर ही। ब्रिटेन ने इसका बदला लेने के लिए फिर हमला किया, इस बार पूरी ताकत के साथ। ब्रिटेन पूरी तरह से जीत गया और इस दफा उसने शीर अली खान के भतीजे अब्द अल रहमान को अफगानिस्तान का राजपाट सौंपा। इस दफा जीतने के बाद ब्रिटेन ने शीर अली खान के भतीजे अब्द अल रहमान को अफगानिस्तान का राजपाट सौंपा। ये सिस्टम पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक चकाचक चलता रहा, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ माहौल अचानक से फिर बदल गया। ब्रिटेन ऑटोमन तुर्की से लड़ रहा था, मुसलमान ऑटोमन साम्राज्य को सपोर्ट कर रहे थे। अफगानिस्तान में ब्रिटेन की कठपुतली सरकार थी, जाहिर था कि यहाँ विरोध होता और हुआ भी। ऑटोमन समर्थकों ने अफगानिस्तान के शासक हबीबुल्ला खां की हत्या कर दी और इसके बाद अफगानों ने एक बार फिर से ब्रिटेन से आज़ादी का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन उस वक्त पहले वर्ल्ड वॉर से परेशान था, तो वो अफगानों की आज़ादी का विरोध नहीं कर पाया और ऐसे में अगस्त 1919 में रावलपिंडी में एक संधि हुई। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आज़ादी को मान्यता दे दी। अफगानिस्तान ने आज़ाद होते ही सोवियत सरकार से भी एक संधि कर ली। अफगानिस्तान सोवियत संघ को मान्यता देने वाले देशों में सबसे आगे था। जी, ये वो दौर था जब बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ अपने स्वरूप में आया ही था। बहरहाल अफगान सोवियत संघ की दोस्ती वहीं से गाढ़ी हो गई और उसके बाद एक फ़ोन कॉल हुआ और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। इस बदलाव की कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान में राजतंत्र की स्थापना से, जो आज़ादी के बाद आया अफगानिस्तान की। फिर 1933 में जहीर शाह अफगानिस्तान के राजा बने। उन्होंने 40 बरस तक शासन किया, लेकिन एक दिन उनके नीचे से कुर्सी खींच ली गई। राजा साहब बेसहारा हो गए और उन्हें निर्वासन में भेज दिया गया। उनकी कुर्सी खींचने वाला कोई और नहीं, उनका अपना भतीजा था जिसका नाम था मोहम्मद दाऊद खान।
दाऊद खान ने राजशाही व्यवस्था हटा दी और वो अफगानिस्तान का पहला राष्ट्रपति बन गया। दाऊद खान सबको साथ लेकर चलना चाहता था, अमरीका को भी और सोवियत संघ को भी, लेकिन दो नाव की सवारी खतरनाक होती है। अफगान कम्युनिस्ट पार्टी यानी PDPA को दाऊद खां का यह चलन रास नहीं आया और ऐसे में अप्रैल 1978 में दाऊद खां की हत्या कर दी गई। जी, इस नाम को गौर से सुनिए, नूर मोहम्मद तराकी, यही था रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का नया रूलर। तराकी का पूरा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, कम्युनिस्ट शासन की तरफ था, लेकिन अफगानिस्तान में सदियों से सामंती व्यवस्था चली आ रही थी। जब तराकी ने उसको सोवियत संघ के सपोर्ट से खत्म करने की कोशिश की तो लोगों में बगावत शुरू हो गई। तराकी ने एक फैसला और लिया कि लड़कियों का स्कूल जाना अनिवार्य हो। इस फैसले से कठमुल्ले नाराज हो गए, उन्होंने भी विरोध किया। फिर तराकी ने ऐसे लोगों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ दो तरफा विरोध का माहौल बनने लगा। अफगान कबीले भी विरोध करने लगे और जो कट्टरपंथी थे, जो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे, वो भी विरोध करने लगे। लेकिन इस मसले को शांति से सुलझाने के बजाय तराकी ने दमन का रास्ता चुना। हर तरह के विरोध को दबाए जाने लगा, धर्म को भी दरकिनार किए जाने लगा, अखबारों को नियंत्रित किया जाने लगा, आलोचना की गुंजाइश खत्म कर दी गई और धीमे धीमे इसका दायरा बढ़ा। फिर आई 15 मार्च 1979 की तारीख, हेरात, अफगानिस्तान में एक प्रांत भी और जगह भी। हेरात में अफगान सेना के एक पूरे डिवीजन ने तराकी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, सरकार के खिलाफ मोर्चा। इस घटना में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। विद्रोह असफल हो गया, लेकिन विद्रोही सैनिक बड़ी संख्या में हथियार लेकर पहाड़ों की तरफ भाग गए और वहां से उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। ये विद्रोह तराकी के लिए बड़ा झटका था। ऐसे में 18 मार्च को उन्होंने सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोजिगिन को फोन किया। तराकी ने सीधे मांग की कि उन्हें सोवियत संघ से सैन्य सहायता की दरकार है। कोजिगिन ने आशंका जताई कि इससे आपके देश में युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे और कुछ ही घंटों में दुनिया को पता चल जाएगा कि सोवियत संघ ने हमला कर दिया है और ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन उस दिन तराकी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कोजिगिन को एक सुझाव दिया, कहा कि सोवियत सैनिकों को अफगान सेना की यूनिफॉर्म में भेजा जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे भोले बलम थे। खैर, तब KGB और GRU ने मिलकर एक बटालियन तैयार की। इसमें ज्यादातर ताजिक, उज़्बेक और तुर्क थे। इनकी सूरत और सीरत अफगान लोगों से मिलती जुलती थी। बाद में इस बटालियन को मुस्बैट के नाम से जाना गया, मुस्लिम बटालियन। सोवियत संघ तराकी के कहने पर अफगानिस्तान में चला आया। उधर अमरीका ने अपने प्रतिद्वंदी को इस ग्रेट गेम में उतरते देखा तो पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में माहौल अब और गर्म हो चुका था। एक तरफ कोल्ड वॉर की गोटियां सेट हो रही थी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार के भीतर फूट भी पड़ रही थी। कैसे? तराकी थे प्रेसिडेंट और उनके प्राइम मिनिस्टर थे हफीजुल्ला अमीन। अक्टूबर 1979 में अमीन ने तराकी का मर्डर करवा दिया और खुद बन गया अफगानिस्तान का सर्वेसर्वा। इस बदलाव से सोवियत संघ परेशान हो गया और KGB, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये जो नया प्रीमियर है अमीन, ये दरअसल अमरीका का एजेंट है। ऐसे में सोवियत लीडरशिप ने तय किया कि अमीन को रास्ते से हटा दिया जाए। उस समय अफगानिस्तान में कोका कोला बहुत मशहूर था। तय हुआ कि इसी में जहर मिलाकर अमीन को मारा जाए, लेकिन जहर का असर नहीं हुआ, अमीन बच गए। फिर प्लान बी था, जिसके तहत सोवियत संघ डायरेक्ट हमले की योजना बना चुका था और 27 दिसंबर 1979 की रात सोवियत एजेंट्स ने यही किया। प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसकर अमीन की हत्या कर दी और इसके ठीक बाद 1,00,000 सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान में दाखिल होना शुरू कर दिया। ये 10 साल लंबे सोवियत अफगान युद्ध की शुरुआत थी और इसके आगे का इतिहास तो आपको पता ही है। आपने मुजाहिदीनों की कहानी सुनी है, रूस के खिलाफ लड़ने वाले कबायली लड़ाके। इनमें से एक नाम अहमद शाह मसूद का था, जिन्हें पंजशेर घाटी का शेर भी कहा जाता है। जब 1992 में कम्युनिस्ट सरकार का खात्मा हुआ तो नई सरकार में मसूद रक्षा मंत्री बनाए गए। सोवियत के जाने के बाद भी मुजाहिदीनों में संघर्ष चल रहा था, काबुल पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में 1994 में तालिबान का गठन होता है। तालिबान शुरुआत में मसूद को साथ आने का ऑफर देता है, लेकिन अहमद शाह मसूद ने इससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो तालिबानी कट्टरपंथ के खिलाफ थे। फिर 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो मसूद को काबुल छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने अगले 5 बरस तक तालिबान का मुकाबला किया। जब तालिबान पूरे अफगानिस्तान में बेलगाम घूम रहा था, तब भी मसूद ने अपना गढ़ बचा कर रखा।
अप्रैल 2001 में मसूद यूरोप की यात्रा पर गए। उन्हें तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मदद की दरकार थी। इस दौरान उन्होंने यूरोप की पार्लियामेंट में भाषण भी दिए। इसमें उन्होंने अमरीकी सरकार को उसामा बिन लादेन के बारे में चेतावनी दी और बाद में ये बात सीक्रेट दस्तावेजों से साबित भी हुई। दस्तावेजों के मुताबिक मसूद ने अंदेशा जताया था कि ओसामा बिन लादेन का जो आतंकवादी संगठन है अलकायदा, वो अमरीका की धरती पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये हमला 1998 में केन्या और तंजानिया में अमरीकी दूतावास पर हुए हमलों से भी भयानक होगा, इसका अंदेशा भी जताया गया, लेकिन अमरीका ने शायद इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। 9 सितंबर 2001 पर पहुंचते हैं अब। इस दिन दो पत्रकार अहमद शाह मसूद तालिबान की आंख का कंकड़ उसका इंटरव्यू लेने आए, लेकिन इंटरव्यू के बीच में ही अचानक भयानक धमाका हुआ। असल में वो दोनों कथित पत्रकार अलकायदा के आतंकवादी थे और उन्होंने लादेन के कहने पर मसूद की हत्या की साजिश रची थी। अहमद शाह मसूद इस हमले में बुरी तरह घायल हुए और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका और मसूद की मौत के दो दिन बाद ही अमरीका पर हमला होता है जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है और हमले का मास्टरमाइंड वही जिसकी तरफ मसूद ने इशारा किया था, अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन। 9/11 के हमले के बाद बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री की, तालिबान को हराया, लेकिन 20 बरस बाद लगता है कि वो हार बेमानी थी। अमेरिका फिर से हारता दिख रहा है, हार चुका है, बेहिसाब नुकसान के बाद चुपचाप वापस लौट रहा है, जबकि तालिबान सत्तासीन होकर मुंह चिढ़ा रहा है और अफगान जनता के हालात बद से बदतर हो गए हैं। तालिबान के एक दिन के शासन में इतनी बेबसी और बेचैनी है कि भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जैसे कि एक कहानी चल रही है कि एक रिपोर्टर ने काबुल में 20 साल के एक लड़के से पूछा, मुस्तफ़ा आप 10 साल के बाद खुद को कहाँ देखते हैं? मुस्तफ़ा ने भावशून्य होकर जवाब दिया, उस समय 30 साल का मुस्तफ़ा कब्र में सो रहा होगा। ये है अफगान नागरिकों का ख्वाब, ये है अफगान नागरिकों की अपने ख्वाब को लेकर, भविष्य को लेकर आशंकाएं, कहने को कुछ नहीं बचा है। तो आगे क्या रास्ता है? क्या लोगों को इसी तरह बेसहारा छोड़ दिया जाएगा? इस वक्त दो चीजें चल रही हैं। पहली तो ये कि वियतनाम वॉर के शरणार्थियों की तरह अफगान शरणार्थियों का प्रबंध किया जाए, इसकी बात चल रही है, विचार चल रहा है, मांग चल रही है। ये वियतनाम वॉर का क्या रेफरेंस है? वियतनाम वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने इंडो चाइना माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी असिस्टेंस एक्ट लागू किया। इसके तहत साउथ वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के 130,000 शरणार्थियों को अमेरिका में एंट्री दी गई और पुनर्वास का इंतजाम किया गया। मांग चल रही है कि अमेरिका इस बार भी कुछ वैसा ही करे। दूसरी मांग यह है कि अमेरिका लोगों को बाहर निकलने में मदद करे। ये मांग यूएस आर्मी के कई वेटरन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक लोग बाहर जाना चाहें उन्हें निकाला जाए और इस एयरलिफ्ट में यूएस आर्मी सिक्योरिटी मुहैया कराए। आगे क्या होगा ये पूरी तरह समर्थ देशों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। आपने उसने विस्तार से ये कहानी सुनी, आज कुछ रिकमेंडेशन भी सुन लीजिए। एक फिल्म है वॉर मशीन, ये 2017 में आई थी। लीड किरदार में है ब्रैड पिट। ये देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अमरीका अफगानिस्तान में कहाँ चूक गया। इसके अलावा आपको हाइना रोड भी ज़रूर देखनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो अगर आप अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हमले की बारीकियां समझना चाहते हैं तो अफगानिस्तान 1979 देख सकते हैं। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की, अफगानिस्तान द ग्रेट गेम, ये भी दो पार्ट में है और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आज की दुनियादारी में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ये उम्मीद है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभरात्रि। एक और जानकारी, अगर आपकी तालिबान में दिलचस्पी है, अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं में दिलचस्पी है और इसकी इंडिया एंगल में दिलचस्पी है तो आप ललन टॉप शो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल हम दुनियादारी और ललन टॉप शो दोनों में ही इस विषय पर विस्तार से बात कर रहे हैं। और इसीलिए मेरी एक गुजारिश और है, आपको बीते दिन का भी दुनियादारी और ललन टॉप शो ज़रूर देखना चाहिए। शुक्रिया।